हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू 6 का एक पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है आपका यूनिट नंबर 15 से, यूनिट नंबर 15 जो कि है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो भी आपका मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। सो पेपर में आपका डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स पर, या फिर इसके अलावा पूछा जा सकता है लाइक डिफाइन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स और व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स और व्हाट इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आंसर आपका सेम रहेगा। एंड गाइस, मेक श्योर कि आप अपने जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं यहां पर उसको अच्छे से समझ लें, जिससे कि पेपर में आंसर लिखते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले अपना मिशन याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के हम टॉपिक पर, लेट्स प्रोसीड टू आवर फर्स्ट स्लाइड। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। एंड इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, ओके। सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स जो हमारा टर्म है दैट इज मेड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स। पहला जो वर्ड है आपका वो है मार्केटिंग, दूसरा है लॉजिस्टिक्स, ओके। तो मार्केटिंग आप सबको ही पता है, द वे और द एक्टिविटीज विच वी यूज टू सेल आर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, वो आपकी एक्टिविटीज मार्केटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। सो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में जानेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय लॉजिस्टिक्स। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक दैट। अगर आपको नहीं पता तो आगे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं उनको चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो पॉइंट नंबर वन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यू कैन सी दैट। सो लॉजिस्टिक्स इज ओरिजिनली अ मिलिट्री कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लॉजर। तो गाइस, बात करें लॉजिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मिलिट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये टर्म है, ठीक है। और जो ये लॉजिस्टिक्स टर्म है ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो कि आपका है लॉजर, ठीक है। एक फ्रेंच वर्ड है लॉजर, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट बना है लॉजिस्टिक्स का। और जो ये लॉजिस्टिक्स है वो कैसा है, आपका एक ओरिजिनली मिलिट्री कॉन्सेप्ट है, ओके। आई एम श्योर इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब लॉजर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, लॉजिस्टिक्स आपका डिराइव्ड है फ्रेंच वर्ड लॉजर से। लॉजर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स फ्रॉम सोर्स टू यूजर्स, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ यूज तक क्या करना, अपने मिलिट्री ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करना या सप्लाई करना, ठीक है, उसका मतलब होता है लॉजर। सो लॉजर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड supply of military troops from source to users. तो याद रख लीजिए, lodger is equal to transportation and supply of military troops from source to users. Okay? So I'm sure ये दोनों points आपको clear होंगे। चलिए एक छोटा सा diagram और देख लेते हैं ताकि concept अच्छे से याद रहे। So logistics basically क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लॉजर, ओके। लॉजिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लॉजर, और ये इसका मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स, ठीक है। मीनिंग क्या है लॉजर का, ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स फ्रॉम सोर्स टू यूजर्स, ओके। सो आई होप ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको समझ में आ चुकी होगी। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो गाइज, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो एक डायग्राम के थ्रू पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आपके फर्दर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ origin to point of use to meet the expectations of customers, okay। तो ध्यान रखिएगा, marketing logistics क्या होता है, तो basically आपकी उन activities को refer करता है जो कि आपकी
गुड्स के फिज़िकल मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब जो आप प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं ऑफ फिज़िकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज़, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी कहलाती हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की। आई रिपीट, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स किसको रेफर करता है? वो प्लानिंग, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो कंट्रोलिंग जो कि आपकी गुड्स के फिज़िकल मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जिसमें आप क्या करते हो, गुड्स को मूव करते हो फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज़ टू मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, तो वो आपकी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या है? मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। ओके, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। सो डायग्राम के थ्रू मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड कर दी थी कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स होता क्या है, एंड इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होंगे एंड वो आप अपने एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका आ चुका है स्क्रीन पर, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स और मटेरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट द कस्टमर्स नीड, ठीक है। तो जो हमने अभी डायग्राम डिस्कस किया था वही सेम पॉइंट यहाँ पर आपका मेंशन है। तो बेसिकली किसको रेफर करता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स? वो सारी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ जो कि फिजिकल मूवमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं ऑफ गुड्स और मटेरियल, जिसमें आप क्या करते हो, अपने जो गुड्स या मटेरियल होता है उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ यूज तक लेके जाते हो एंड इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स की नीड्स को मीट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज या वो प्रोसेस आपकी कहलाती है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। ओके, तो इसमें बेसिकली आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? प्लानिंग इंक्लूडेड है, आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने जो गुड्स या मटेरियल होंगे उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ यूज़ तक लेके जाएंगे, जिससे कि कस्टमर्स की नीड आपकी मीट हो सके, किस तरीके से अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से अपने प्लान्स जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको कंट्रोल करोगे, ठीक है, सो दैट द एक्सपेक्टेशंस और नीड्स ऑफ द कस्टमर्स कैन बी मेट, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री बेसिकली हमारी क्या है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके देखिए ये आ चुके हैं आपके कस्टमर्स, ओके, और ये हमारे पॉइंट ऑफ यूज़ होते हैं। तो देख लीजिए पॉइंट ऑफ यूज़ आपके ये हैं एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारी जो होती है वो होती है बेसिकली फैक्ट्री या प्लेस जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मतलब है जहाँ से प्रोडक्ट एक्चुअली बना है, ठीक है। तो ये आपका सप्लायर से भी हो सकता है, बिकॉज रॉ मटेरियल चाहिएगा, तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम मैनी वेयर। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा यूज़ का वो होगा कस्टमर्स के थ्रू, जो कि फाइनली आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। ओके, तो आई एम श्योर ये डायग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। एंड चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सो अटेंशन बनाए रखिए अपना। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइमरी पर्पस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। सो प्राइमरी पर्पस क्या है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का? इट इज़ टू ट्रांसफर द राइट गुड्स टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट कंडीशन एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मेन पर्पस या प्राइमरी पर्पस या एम क्या है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का, अगर हम बात करें तो जो एम है हमारा मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का वो ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सही गुड्स क्या कर सकें, हम ट्रांसफ़र कर सकें सही प्लेस पर, सही टाइम में, सही कंडीशन में और इन अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर। जो प्राइस होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के वो कैसे होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए कस्टमर को। तो ये आपका जो पर्पस होता है वो मीट करने के लिए मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए वंस अगेन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इज़ टू ट्रांसफर द राइट गुड्स टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन इन द राइट कंडीशन एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है।
तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको याद हो चुका होगा। आगे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी इंक्लूड किया है जिसके थ्रू आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के पर्पस क्या हैं अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है ट्रांसफ़र ऑफ राइट गुड्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट कंडीशन एंड एट द राइट प्राइस, ठीक है। तो सही बंदे को सही चीज़ सही प्लेस पर सही टाइम पर सही कंडीशन में सही प्राइस पर प्रोवाइड कराना ही मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का प्राइमरी पर्पस है। आई रिपीट, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का पर्पस क्या है? ट्रांसफ़र करना राइट गुड्स टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट कंडीशन एट द राइट प्राइस, ओके। तो याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का तो ले लीजिए जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये पॉइंट याद रहे, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेन एक्स्ट्रा मार्क्स। और ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, अगर आपके पास टाइम हो एग्ज़ाम में और ये क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज़ बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर वन सेज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इज कंसीडर्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी। तो गाइस बात करें, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, और मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स उन सारी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, ठीक है। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, और उन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट या सिस्टम है वो उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बस इतना याद रख लीजिए इस पॉइंट में। Now next point says, in fact, marketing logistics is considered as the other half of marketing and helps an organization to achieve its overall marketing objectives. So guys, marketing logistics की important इतनी ज़्यादा है कि इसको आपका बोला जाता है other half of marketing, ठीक है, याद रखिएगा। Since marketing logistics बहुत crucial role play करता है marketing activities में, तो इसीलिए आपका बोला जाता है इसको the other half of marketing, and जो marketing लॉजिस्टिक्स है इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और जो हमारी मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने में क्या कराता है, हेल्प कराता है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। और जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ओके। तो इसीलिए मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, अदर हाफ ऑफ मार्केटिंग। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी ये मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ओके। तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने इसके लिए भी बनाया है, यू कैन यू नो वॉच दैट एज वेल। सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स बेसिकली क्या है, कहलाता है अदर हाफ ऑफ मार्केटिंग। और क्यों कहलाता है? बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या है, अदर हाफ ऑफ मार्केटिंग। क्यों कहलाता है? बिकॉज ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करने में हेल्प कराता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ओके। सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, एंड इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इंक्लूड मेनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ विच आर एज फॉलोइंग। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी हमारी मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के सिस्टम में इंक्लूड होती है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई भी ऑर्डर आपका होता है उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क जो होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स सिस्टम का, और कह सकते हो कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या कौन सी होती है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की, ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो लॉजिस्टिक्स में प्ले की जाती है वो है आपकी वेयरहाउसिंग की, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इंक्लूडेड इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इज वेयरहाउसिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इंक्लूडेड इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स कॉन्सेप्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने से रिलेटेड। चौथी आपकी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोडक्ट बन चुका, जब तक उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कराओगे टू द राइट कस्टमर तब तक वो यूज़लेस है आपके लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी चौथी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की।
और पांचवी और आखिरी हमारी जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इंक्लूडेड है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स कॉन्सेप्ट में, वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। सो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ आर फिफ्थ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इंक्लूडेड इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स सिस्टम, ओके। तो याद रखिएगा, जो हमारा मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स सिस्टम है उसमें पांच इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहली है ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर सेकेंड पे है वेयर हाउसिंग, नंबर थर्ड इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल, नंबर फोर्थ इज़ ट्रांसपोर्टेशन, नंबर फिफ्थ इज़ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें मैं डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और जैसे कि मैंने टॉप 12 आपके पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, उनमें से आपका ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टुडे ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्यों मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ा है गाइज? तो ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ होने की वजह से एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट भेजना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत अच्छे से ट्रैक रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स का, और आपको अच्छे से वेयर हाउसिंग करानी पड़ती है, उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती हैं। तो लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल रखता है। इसके अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी क्या होती हैं, MNC का कॉन्सेप्ट आ चुका है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो बहुत सारी कंपनीज अलग अलग लोकेशंस पे आपकी लोकेटेड होती हैं, उनको प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है, एक जगह से बनाकर दूसरी जगह पर भेजना होता है। तो इसीलिए आपका जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस में आ रहा है, ओके। सो आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, एंड गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।